अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पीपल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस फॉर वुमेन नवाब शाह के बारे में। उन्होंने अपने डीपीटी फॉर्म डी एंड बीएस नर्सिंग के जो है सेल्फ फाइनेंस पे एडमिशन उनकी अनाउंसमेंट की है। उन्होंने सेल्फ की बेस पे हमें कुछ सीट्स ऑफर करवाई हैं और जो कैंडिडेट सेल्फ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इन एडमिशन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो कि अनाउंस की गई है डीपीटी के लिए, फॉर्म डी के लिए और बीएस नर्सिंग के लिए। तो उसमें हमारे पास सेल्फ के गेंस कुछ सीट्स प्रोवाइड की गई हैं जो कि ओनली फॉर गर्ल्स हैं। जिन स्टूडेंट ने टेस्ट पास आउट किया हुआ है जो कि 29 जनवरी को कंडक्ट हुआ था तो वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में, बीएस पब्लिक हेल्थ में एंड बीएस नर्सिंग में। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको अगेंस्ट सेल्फ फाइनेंस की सीट पे अप्लाई करना होगा, जिसके लिए आपको एप्लीकेशन पर फॉर्म फिलअप करना है जो कि नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको दिखाऊंगी। इसके साथ ही आपने उसकी फोटोकॉपी एंड पे ऑर्डर वगैरह साथ अटैच करना है और आपने उसको सबमिट करवाना है यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा आप उसको कॉरियर भी कर सकते हैं गिवन एड्रेस पे। फिलहाल आपने पे ऑर्डर की जो कॉपी है वो सबमिट करवानी होगी, बट जैसे ही आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा तो आपने ओरिजिनल पे ऑर्डर को सबमिट करवाना है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको आपने फिलअप करना है, साथ पे ऑर्डर आपने अटैच करना है, यानी कि जो आपकी फी वगैरह है जो कि 2,80,000 रुपीज आपको एडवांस में सबमिट करवानी पड़ेगी और देन भी आपका एडमिशन होगा सेल्फ की बेस पे। यहाँ पे आपने चॉइस अपनी लिखनी है कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं, डीपीटी में, फॉर्म डी में, पब्लिक हेल्थ में या नर्सिंग में। इसके साथ ही फॉर्म सीट नंबर को इग्नोर कर दें, टेस्ट स्कोर वगैरह आपने मेंशन करने हैं, डिस्ट्रिक्ट मेंशन करें, आईडी कार्ड, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट नेम, फादर नेम या आपका कोई सरनेम है तो उसको मेंशन कर दें, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, पीडीसीएल। अगर आप परफॉर्मेंस को फिलअप करते हैं और आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती तो आप उसको स्किप कर दिया करें और यूनिवर्सिटी जैसे ही आप जाएं अपना फॉर्म को सबमिट करवाने के लिए तो उनसे आप पूछ के तो वहां पे राइट डाउन कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट को इसमें इश्यूज आते हैं, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं कमेंट सेशन में, मैं भी आपकी हेल्प आउट कर दूंगी जितना मुझे नॉलेज है। इसके साथ ही आपने पे ऑर्डर को फिलअप करना है जो कि 2,80,000 रुपीज का है जो कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तरफ से आपने सबमिट करवाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने कॉपी सबमिट करवानी होगी, आफ्टर फाइनल सिलेक्शन आपने इसकी ओरिजिनल कॉपी सबमिट करवानी है। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर करवाने हैं स्टूडेंट के, इसके साथ ही आपने डेट ऑफ सबमिशन मेंशन करनी है और इसको फिलअप करने के बाद इसको आपने सबमिट करवाना है और साथ पे ऑर्डर को आपने सबमिट करवाना है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सेल्फ की बेस पे। तो इसके साथ ही अगर आपका जो एडमिशन होगा वो टोटली होगा मेरिट की बेस पे, अगर आपका लिस्ट में नेम आ जाता है तो आपको ओरिजिनल पे ऑर्डर और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने होंगे और आपका एडमिशन जो है वो कन्फर्म हो जाएगा। इसके अलावा आप इनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। आपकी मेरे से भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।